कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग मजेदार होंगे। आज हमारे पास है पोको X5 Pro 5G। इस वीडियो में इस फोन का टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए ऐप ड्रॉयर में आइए और इस साइड से दो बार स्वाइप कीजिए, हाइड ऐप आइकन आएगा। सेट पासवर्ड के ऊपर टैप करके फिंगरप्रिंट वगैरह देकर आप कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद पासवर्ड वगैरह डाल दीजिए और ऐड एप्लीकेशन के अंदर आके जो सारे एप्लीकेशन आप लोगों को हाइड करना हो यहाँ पे आके टिक कर देना, वो एप्लीकेशन हाइड हो जाएगा। फिर से अनहाइड करने के लिए फिर से इसके अंदर आना, आप लोग पासवर्ड वगैरह देने के बाद एडिट के ऊपर टैप करके उसको अनचेक करके टिक कर देना, अनहाइड हो जाएगा। एमोलेड डिस्प्ले है, उसके वजह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को सेटिंग के अंदर आना है। सेटिंग के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर इसको इनेबल कर देना। नीचे की तरफ तरह तरीके का स्टाइल दिखाई देगा, जो स्टाइल आपको पसंद है उसको सिलेक्ट करके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आप रख सकते हो। लॉक स्क्रीन में जब भी कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है ना, साइड से लाइट वगैरह ब्लिंक करना शुरू करता है। अगर आप लोगों को उस तरीके का एनिमेशन चाहिए, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन के अंदर नोटिफिकेशन इफेक्ट्स के अंदर तरह तरीके का यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन दिया गया है। आपको जो ऑप्शन पसंद है उसको आप यहाँ पे आके सिलेक्ट कर पाओगे। होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे, स्क्रीन का जो लाइट है बंद हो जाता है। फिर से लॉक स्क्रीन में डबल टैप करोगे, स्क्रीन का जो लाइट है वाइक अप हो जाता है। बाय डिफॉल्ट ये बंद रहता है। इसको इनेबल करने के लिए यहाँ पे होम स्क्रीन में दो फिंगर से पिंच कीजिए, सेटिंग के अंदर चलिए, मोर के अंदर आइए, थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा डबल टैप टू लॉक स्क्रीन, इसको इनेबल करना होगा। और सेटिंग के अंदर यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन के अंदर आने के बाद ये जो डबल टैप टू वाइक टर्न ऑफ स्क्रीन व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, इसको इनेबल कर दीजिए। ये दो ऑप्शन को इनेबल करोगे तो डबल टैप में आपका फीचर्स इनेबल हो जाएगा। इस बार पोको यहाँ पे पोको का खुद का डायलर दिया है, उसके वजह से कोई भी कॉल को रिकॉर्ड कर पाओगे। सेटिंग के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली इस फीचर्स को इनेबल कर देना। यहाँ पे देख लीजिए ऑल नंबर रिकॉर्ड होगा। अगर आप सिलेक्टेड नंबर को सिलेक्ट करना चाहते हो यहाँ पे आके आप लोग अननोन नंबर को सिलेक्ट कर सकते हो या डायरेक्टली कोई भी नंबर को आप मेंशन करके चूज कर लेना, बस उसका ही कॉल रिकॉर्ड होगा। मुझे लगता है ऑल नंबर में कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहिए, मैं करके रखता हूँ, बस वो बता रहा हूँ। कॉल सेटिंग के अंदर इनकमिंग कॉल सेटिंग के अंदर बहुत सारे फीचर्स मिल जाएगा, जैसे कि फ्लिप टू साइलेंस रिंगिंग, यानी कि कोई भी बंदा कॉल कर रहा है, रिंग बज रहा है, आपको फोन को पलट देना है, ऑटोमेटिकली कॉल साइलेंट हो जाएगा। उसके साथ साथ फ्लैश व्हेन रिंगिंग, यानी कि जब भी कोई भी इनकमिंग कॉल आएगा बैक साइड में जो फ्लैश लाइट है वो वाइक अप करेगा। कॉल सेटिंग के अंदर थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे रेस टू आंसर का ऑप्शन भी दिखाई देगा, बेसिकली इसको इनेबल कर देना। जब भी कोई भी बंदा कॉल कर रहा है फोन को कान के पास लेकर आ जाइए, ऑटोमेटिकली कॉल जो है वो रिसीव हो जाएगा। जब भी आप लोग न्यू फोन खरीदते हो यहाँ पे बैटरी परसेंटेज, इंटरनेट स्पीड मीटर ये सब कुछ शो नहीं करता है। उसको शो करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को सेटिंग के अंदर आना है। नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर नीचे की तरफ स्टेटस बार दिखाई देगा, यहाँ पे देख लीजिए शो कनेक्शन स्पीड, इसको इनेबल कर देना। यहाँ पे इंटरनेट स्पीड मीटर दिखाई देगा। बैटरी परसेंटेज के अंदर आने के बाद आप लोग बाहर या आप लोग अंदर शो करवाना चाहते हो उसको आप लोग सिलेक्ट कर पाओगे। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को ये जो नॉच है ये पसंद नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे हाइट नॉच का ऑप्शन भी दिया है, यहाँ पे आके हाइट कर देना, आप लोगों को नॉच शो नहीं करेगा ये फोन। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन को पासवर्ड या फिंगरप्रिंट के मदद से लॉक कर पाओगे। सेटिंग के अंदर एप्स के अंदर आइए, ऐप लॉक के अंदर आइए, टर्न ऑन कीजिए, पासवर्ड वगैरह डालिए, नेक्स्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे नॉट नाउ कर दीजिए, टाइमिंग दिखाई देगा, यहाँ पे फिर से आप लोगों को नॉट नाउ करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो सारे एप्लीकेशन को आप लोगों को लॉक करना है यूज ऐप लॉक कर देना, वो सारे एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर पाओगे, उसके लिए एप्स के अंदर आना पड़ेगा, डुअल एप्स के अंदर आना पड़ेगा, क्रिएट कर लेना, उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन को आप लोग डुअल ऐप में कन्वर्ट कर पाओगे। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर टाइमर लगा सकते हो, उसके लिए डिजिटल वेलबींग के अंदर आना है, यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर आप लोग टाइमर लगा सकते हो। मान लो मुझे कैमरा के ऊपर टाइमर लगाना है, मैं ऐप टाइमर के अंदर आऊंगा, यहाँ पे 30 मिनट या 35 मिनट कुछ भी सिलेक्ट कर पाओगे, ओके कर देना और टाइमर लग जाएगा। दिन में आप लोग बस क्रोम को 35 मिनट तक यूज कर पाओगे या जो टाइम आप सिलेक्ट किए हो उसी टाइम तक यूज कर पाओगे, उससे ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे। अगर उससे ज्यादा यूज करने जाओगे ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। इस फोन में हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, बाय डिफॉल्ट वो बंद रहता है। उसको इनेबल करने के लिए डिस्प्ले के अंदर आना है, थोड़ा नीचे की तरफ रिफ्रेश रेट दिखाई देगा, यहाँ पे देख लीजिए कस्टम रहता है, आप लोगों को यहाँ पे आके 120 हर्ट्ज को इनेबल करना होगा, वरना आपको 60 हर्ट्ज में ही चलाना पड़ेगा। तो एक बार यहाँ पे आके 120 हर्ट्ज को इनेबल कर लेना। इस फोन के लॉक स्क्रीन में हर एक नोटिफिकेशन दिखाई देता रहता है, प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा इशू है। इसको कंट्रोल करने के लिए नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर लॉक स्क्रीन के अंदर फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे आप लोगों को डोंट शो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन करना पड़ेगा, वरना लॉक स्क्रीन में हर एक नोटिफिकेशन दिखाई देता रहता है। पोको के इस फोन में देख लीजिए न्यू कंट्रोल पैनल आ गया है, इस साइड से स्वाइप करोगे तो यहाँ पे देख लीजिए शॉर्टकट देखने को मिल जाएगा, और इस साइड से
सब्सक्राइब करोगे नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिलेगा। लेकिन इस फोन में थोड़ा सा अलग नोटिफिकेशन ड्रेयर का ऑप्शन भी दिया गया है। उसके लिए नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर, कंट्रोल सेंटर स्टाइल के अंदर यहाँ पे ओल्ड वर्सन कर दीजिए। अभी देखिए आप लोग ओल्ड वर्सन यूज कर पाओगे और ओल्ड वर्सन मेरे को अच्छा लगता है। कोई भी पिक्चर वगैरह को आप हाइड करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को फाइल मैनेजर के अंदर आना पड़ेगा। यहाँ पे 3 डॉट दिखाई देगा, प्राइवेट फाइल का ऑप्शन दिखाई देगा। सेट करने के बाद फिर से आप लोगों को यहाँ पे जो भी पासवर्ड डालना हो वो सेट कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी पिक्चर को आप लोगों को हाइड करना है, फाइल मैनेजर के अंदर आना है, 3 डॉट के अंदर आना है, प्राइवेट फाइल के अंदर आना है, पासवर्ड वगैरह डालना है। उसके बाद यहाँ पे दिखाई देगा मेक फाइल प्राइवेट। तो यहाँ पे आके फाइल के अंदर कौन सा पिक्चर आप लोगों को हाइड करना है उसको हाइड कर पाओगे। यहाँ पे देख लीजिए कैमरा के चारों ओर एक लाइट ब्लिंक हो रहा है, आप लोग भी ये लाइट को ऑन कर पाओगे। उसके लिए एक एप्लीकेशन का जरूरत है, रिंग रिंग लाइट। डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, वहां पे जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाओगे गूगल ड्राइव से डायरेक्टली। डाउनलोड कर लेने के बाद ये बंद रहता है, इसको इनेबल करना पड़ेगा। इसको इनेबल करने के बाद ये जो रिंग रेडियस है उसको आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हो और आपके मूवमेंट स्पीड के अनुसार इसको कहीं भी आप लोग इसको एडजस्ट कर पाओगे। उसके साथ साथ कलर में आने के बाद सिंगल कलर या आप लोगों को ग्रेडियंट कलर चाहिए उसी के हिसाब से आप लोग सेट कर पाओगे। आउटर जो कलर है उसको आप भी सेट कर पाओगे, यहाँ पे देख लीजिए बहुत आसानी से सेट कर पाओगे। आपको जहां पे पसंद है वहां पे रखिए, अच्छा लगता है, कूल लुक देता है। और ये मैं कैमरा के चारों ओर रखता हूँ तो उसके वजह से मेरे को अच्छा लगता है। इस फोन में हैप्टिक फीडबैक बहुत बढ़िया मिलता है, लेकिन उसको आपके हिसाब से आप लोग कंट्रोल भी कर पाओगे। तो उसके लिए साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आना है, थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा हैप्टिक फीडबैक। ये जो हैप्टिक फीडबैक लेवल है उसको आप कम या ज्यादा करोगे, हैप्टिक फीडबैक आप लोगों को कम या ज्यादा मिलेगा। और हैप्टिक फीडबैक ज्यादा मेरे को अच्छा लगता है। इस फोन में YouTube के अंदर बहुत बढ़िया फीचर्स देखने को मिलता है। YouTube में अगर आप कोई भी गाना वगैरह सुन रहे हो, आप चाहते हो लॉक स्क्रीन में भी वो गाना प्ले होता रहे, तो उसके लिए YouTube के इस साइड से एक बार दिखाई देगा स्वाइप कर देना और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा प्ले वीडियो स्क्रीन ऑफ, तो इसको ऑन कर देना। इसको ऑन करोगे देख लीजिए यहाँ पे ओके दिखाई दे रहा है, 4-3 सेकंड टाइम दिखाई देगा। टाइमिंग के बाद आप लोग यहाँ पे ओके दबा देना, स्क्रीन ऑफ हो जाएगा लेकिन बैकग्राउंड में गाना प्ले होता रहेगा। एक कमाल का फीचर्स है, YouTube का प्रीमियम फीचर्स आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप लोग YouTube में गाना सुन रहे हो और आप लोगों को डॉल्बी एटमॉस का साउंड चाहिए तो यहाँ पे आके इसको इनेबल कर देना, डॉल्बी एटमॉस का साउंड भी सुनाई देगा। जब आप लोग न्यू फोन खरीदते हो ना, फिंगरप्रिंट यहाँ पे टच करने से फोन ओपन नहीं होता है, यहाँ पे प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली ओपन होता है। लेकिन दोस्तों ये भी चेंज कर पाओगे, तो उसके लिए आप लोगों को सेटिंग के अंदर आना है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर आना है, फिंगरप्रिंट अनलॉक के अंदर आना है, पासवर्ड वगैरह सबसे पहले तो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन मेथड दिखाई देगा, यहाँ पे प्रेस है, आप लोग टच कर देना। टच करोगे तो ऑटोमेटिकली टच करने से ही ओपन होगा। प्राइवेसी के लिए पोको के फोन को बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करता है, उन लोगों के लिए कमाल का फीचर्स है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन के अंदर आ जाना, सेटिंग के अंदर ऑल परमिशन के अंदर आ जाना, यहाँ पे कौन सा चीज किस चीज के लिए परमिशन ले रहा है सब कुछ आप लोगों को दिखाई देगा। जैसे कि मेरे फोन में जो कैमरा है ये 5 एप्लीकेशन परमिशन ले रहा है, मैं चाहता हूँ इस 5 एप्लीकेशन को डिस्कनेक्ट करना तो मैं डिस्कनेक्ट भी कर सकता हूँ। ये जो हार्ड रेड है ये कैमरा का परमिशन क्यों ले रहा है, तो यहाँ पे डोंट अलाउ कर देना, कभी भी ये जो हार्ड रेड है ये कैमरा का परमिशन नहीं लेगा। अगर आप लोगों को लगता है ये जो मैसेज है ये भी नहीं लेना चाहिए तो डोंट अलाउ करके डोंट अलाउ एनीवे कर देना, मैसेज भी कभी भी कैमरा का परमिशन नहीं लेगा। होम स्क्रीन में इस साइड से स्वाइप करोगे एक बार खुल के आता है, यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। ये सारे एप्लीकेशन को आप लोग यूज कर पाओगे शॉर्टकट के हिसाब से या प्लस के ऊपर टैप करने के बाद कोई भी एप्लीकेशन को आप लोग यहाँ पे हटा पाओगे या कोई भी एप्लीकेशन को आप लोग यहाँ पे ऐड कर पाओगे। डन कर देना और यहाँ पे देख लीजिए आ जाएगा वो सारे एप्लीकेशन। होम स्क्रीन में इस साइड से एक बल्ब जैसा दिखाई देगा, इसके ऊपर टैप करोगे बहुत सारे फंक्शन खुल के आता है। बाय डिफॉल्ट ये बंद रहता है, इसको इनेबल करने के लिए आप लोगों को सेटिंग के अंदर आना है। एडिशनल सेटिंग के अंदर यहाँ पे आप लोगों को क्विक बल्ब का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। ये जो फंक्शन है ना बल्ब का, इसको भी आप चेंज कर पाओगे। देखिए यहाँ पे बैक बटन है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट शॉर्टकट में बैक बटन की जगह में मैं साइलेंट कर दूं। यहाँ पे देख लीजिए बैक बटन की जगह में साइलेंट आ गया है। एडिशनल सेटिंग के अंदर वन हैंड मोड भी देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग इसको यूज करता है। इस साइड से स्वाइप कर दीजिए, वन हैंड मोड इनेबल हो जाएगा और एक हाथों में अगर फोन को इस्तेमाल कर रहे हो वन हैंड मोड आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद करेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे क्लियर स्पीकर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। अगर आपके स्पीकर के अंदर डस्ट वगैरह चला जाता है, क्लियर स्पीकर के ऊपर टैप करना, एक साउंड वाइब्रेट जैसा होगा, स्पीकर से जो सारे डस्ट वगैरह रहेगा वो बाहर आ जाएगा। एडिशनल सेटिंग के अंदर यहाँ पे मेमोरी एक्सटेंशन भी देखने को मिलता है, यानी कि 5 GB तक आप बढ़ा सकते हो। उसके साथ साथ सेकंड स्पेस भी देखने को मिलता है। सेकंड स्पेस करोगे बेसिकली दो फोन जैसा हो जाएगा, अलग अलग विंडो में अलग अलग काम कर सकते हो। जैसे कि एक विंडो में ऑफिस का काम और एक विंडो में पर्सनल काम रख सकते हो, अलग अलग फोन जैसा ही हो जाएगा एक ही फोन में। हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करते रहते हैं और इस तरीके से स्वाइप करने के बाद ऑटोमेटिकली काट हो जाता है, लेकिन रैम में आने के बाद वो सारे एप्लीकेशन के अंदर कौन सा चीज यूज कर रहे थे सब कुछ दिखाई देगा। मैं चाहता हूँ ये सारे एप्लीकेशन को ब्लर कर दूं ताकि रैम से दिखा ही ना दे, तो उसके लिए आप
लोगों को होम स्क्रीन में दो फिंगर से पिंच करना है, यहाँ पे सेटिंग के अंदर आना है, मोर के अंदर आना है, थोड़ा नीचे की तरफ आओगे यहाँ पे ब्लर ऐप रिव्यू दिखाई देगा, तो यहाँ पे आने के बाद जो सारे एप्लीकेशन को ब्लर करना चाहिए यहाँ पे आके ऑन कर देना। देखिए यहाँ पे गैलरी ब्लर हो चुका है। इस तरीके का जो स्टाइल है रैम मैनेजमेंट में, इसको भी आप लोग चेंज कर पाओगे, तो उसके लिए आप लोगों को फिर से होम सेटिंग में आना पड़ेगा। यहाँ पे अरेंज आइटम इन रिसेंट दिखाई देगा, इसको हॉरिजॉन्टली कर दीजिए। देखिए हर एक एप्लीकेशन आप लोगों को हॉरिजॉन्टली दिखाई देगा। होम सेटिंग के अंदर और भी एक बेहतरीन फीचर है सो मेमोरी स्टेटस। इसको इनेबल करोगे तो रैम मैनेजमेंट के अंदर आप लोगों के फोन में कितना ज्यादा मेमोरी है वो आप लोगों को दिखाई देगा। जो वर्चुअल मेमोरी को ऑन करोगे वो भी यहाँ पे दिखाई देगा 5 GB तक। कैमरा के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स है, लेकिन ये वीडियो में अगर कैमरा फीचर्स के बारे में बताऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए कैमरा के डेडिकेटेड टिप्स एंड ट्रिक में बनाया हूं, कार्ड में लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो एक बार जरूर चेक कर लेना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फीचर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।